A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. इस क्वेश्चन में आपको ये बता रहे हैं कि किसी ने वीट को इस तरीके से रखा है कि जो उसका हीप बना ढेर वो एक कोनिकल शेप का है और इस कोन का डायमीटर आपके पास है 10.5 मीटर और हाइट आपके पास है h 3 मीटर स्लैंट हाइट l अननोन है ठीक है और आपसे पूछ रहे हैं वॉल्यूम नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज नथिंग बट 1/3 पाई r स्क्वायर h वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं 1/3 इंटू पाई 22/7 रेडियस क्या हो जाएगा देखिए डायमीटर अगर 10.5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर का हाफ ठीक 10.5 अपॉन 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 5.25 और यूनिट क्या होगा मीटर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5.25 लेकिन रेडियस का स्क्वायर करना है तो एक बार और लिख देते हैं 5.25 और हाइट आपके पास है 3 मीटर तो ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो गए और आपके पास बचेगा 22/7 इसको आप 525 अपॉन 100 बना लीजिए इसको भी 525 अपॉन 100 बना लीजिए ठीक है कैलकुलेशन पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 86.625 और यूनिट होगा मीटर क्यूब क्योंकि आपने वॉल्यूम फाइंड किया है और डायमेंशन मीटर में तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर क्यूब तो वॉल्यूम तो हमने फाइंड कर लिया इस हीप ऑफ वीट का आगे क्या बोल रहे हैं द हीप इज टू बी कवर्ड बाई कैनवस इस हीप को ढकना है किससे कवर करना है किसी कैनवस से क्यों ढकना है उसको टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन बारिश की वजह से ये वीट खराब ना हो जाए इसलिए इसको कवर करना है ठीक तो आपको पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड अब आपको मालूम है जब हम इसको कवर करेंगे तो हम इसके कर्व्ड सरफेस को ही कवर करेंगे अंदर का जो बेस एरिया वो अपने आप कवर हो जाएगा कर्व्ड सरफेस को कवर करने की वजह से तो आप जिस भी कैनवस से इसको कवर करेंगे उसका एरिया कितना होगा जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है ठीक और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल उसके लिए आपको स्लैंट हाइट एल भी चाहिए वो अभी फाइंड करेंगे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या कि एरिया ऑफ कैनवस required अगेन शॉर्ट में लिखना required टू कवर द हीप इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हीप हीप लिखिए या कौन एक ही बात है कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वली है कैनवस का एरिया जिससे आप इसको कवर करेंगे और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल तो पाई 22/7 इंटू रेडियस बेस रेडियस आपके पास है 5.25 ये स्लैंट हाइट एल अननोन है तो स्लैंट हाइट एल हमको फाइंड करना पड़ेगा वी नो दैट एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ठीक एच हाइट कितना है 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस आर आपके पास है रेडियस 5.25 इसका स्क्वायर करना है तो एल आ जाएगा आपके पास ये 9 का स्क्वायर 5.25 का स्क्वायर होता है 27.5625 ये स्क्वायर करना आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है 9 + 27.5625 करेंगे तो आपको मिलेगा ये 36.5625 और इसका स्क्वायर रूट आप करेंगे तो आपको मिलेगा 6.05 यूनिट क्या होगा मीटर बस ये एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप 6.05 बताना मेरे लिए इजी है कैलकुलेट करना मुश्किल होगा आपको भी मालूम है ठीक है पर कैलकुलेशन आपको लोअर क्लासेस में सिखाया जाता है जूनियर क्लासेस में आप कर लीजिएगा तो ये फाइनली ऑन मल्टीप्लीकेशन आपको मिल जाएगा 99.825 और सिंस आपने एरिया फाइंड किया है तो यूनिट होगा मीटर स्क्वायर ठीक क्योंकि डायमेंशंस मीटर में तो यूनिट एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर हैंस एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर द हीप ऑफ वेट इज 99.825 मीटर स्क्वायर सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.